हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कॉन्सेप्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम इजेक्टर। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैक्यूम इजेक्टर क्या होता है, कैसे काम कर सकता है, एक करता है, कौन से वर्किंग प्रिंसिपल पर काम करता है, इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसका अप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर होता है, इंटरव्यू में इसके रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी बातें डिटेल में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप मेरे चैनल टेक्निकल कॉन्सेप्ट को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो वैक्यूम इजेक्टर होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, तो इस तरह से कुछ दिखता है। ये देखिए, ये स्टीम जेट इजेक्टर है, स्टीम जेट वैक्यूम इजेक्टर है। ओके, तो इंडस्ट्री में वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, अब इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बर्नौली इक्वेशन क्या होता है, फिर उसका कंसेप्ट कैसा होता है, कैसे काम करता है बर्नौली इक्वेशन, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर होता है, फिर इसको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल कैसे होता है, फिर बर्नौली इक्वेशन का हम वैक्यूम इजेक्टर में कैसे अप्लाई करते हैं, हम बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करके वैक्यूम इजेक्टर में कैसे वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ओके, ये मोस्टली ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि हमारा बर्नौली इक्वेशन कैसे काम करता है वैक्यूम इजेक्टर में। ओके, और बहुत लोग इसका आंसर नहीं दे पाते, बहुत सिंपल होता है, इसको हम डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बर्नौली इक्वेशन होता क्या है। तो बर्नौली इक्वेशन का डिफिनेशन क्या है, द सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन ए फ्लूइड फ्लोइंग अलोंग एन इनक्लोज पाथ इज सेम एट एनी टू पॉइंट्स इन दैट पाथ। तो ये डेफिनेशन क्या बोलता है, ये जो हमारा जो बर्नौली इक्वेशन है, ये क्लोज पाथ के लिए, जो जहाँ पे हमारा पानी ना क्लोज पाइप में फ्लो होता है या ट्यूब में फ्लो होता है, उसी वहीं पे ये बर्नौली इक्वेशन अप्लाई होता है। जैसे कि हमारा पानी अगर कैनल में या रिवर में फ्लो हो रहा है, ओपन स्पेस में फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे बर्नौली इक्वेशन नहीं अप्लाई होता है, ये वहीं पर अप्लाई होता है जहाँ पे हमारा पानी क्लोज पाइप में फ्लो होता है। ओके, तो ये क्या बोल रहा है बर्नौली इक्वेशन, कि जब भी हमारा पानी किसी क्लोज पाइप में अगर फ्लो होता है तो किसी भी पॉइंट पे उसका सारे एनर्जी मीन्स ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ओके, सारे एनर्जी का अगर सब ऐड करेंगे तो कांस्टेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा है और यहाँ पे डायमीटर कम है, ये पॉइंट वन है और ये पॉइंट टू है। ओके, तो यहाँ पे डायमीटर पाइप का ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये क्या बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे पानी अगर फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे सारे एनर्जी को ऐड करेंगे तो हमेशा सेम रहेगा। तो यहाँ पे ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया, प्रेशर एनर्जी। ओके, देखिए प्रेशर एनर्जी, देन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये तीन फॉर्म का एनर्जी होता है। ओके, तो ये हमारा बर्नौली इक्वेशन क्या है, पी वन प्लस हाफ रो बी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच। तो इसमें तीन काइंड का प्रेशर एनर्जी होता है, हमारा पानी फ्लो होता है जिसमें तीन तरह का एनर्जी होता है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो ये प्रेशर एनर्जी हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया और ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा पॉइंट वन है यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ज़्यादा रहेगा और काइनेटिक एनर्जी और कम रहेगा, और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सेम रहेगा। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हाइट पे डिपेंड होता है, यहाँ पे दोनों का हाइट अल्टीट्यूड सेम है, जितना यहाँ पे हाइट है उतना यहाँ पे हाइट है। ओके, तो सिंपल टर्म में क्या है कि जहाँ पे हमारा पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पे वेलोसिटी कम होता है, और जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होता है वहाँ पे प्रेशर कम होता है। तो पॉइंट वन है, यहाँ पे पानी का वेलोसिटी कम है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। ओके, और ये पॉइंट नंबर टू है, यहाँ पे डायमीटर कम है, यहाँ पे ये जो डायमीटर है पाइप का वो कम है, तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम रहेगा। ओके, क्योंकि कांस्टेंट है, तो यहाँ पे जो प्रेशर एनर्जी है वहाँ पे वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रेशर यहाँ पे कम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जब प्रेशर कम हो जाएगा तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो क्या होगा, मतलब यहाँ पे बाहर का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट को ना हम यूज करते हैं बर्नौली वैक्यूम इजेक्टर में वैक्यूम क्रिएट करने के लिए। इसको हम एक लाइव एग्जांपल से, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम देखते हैं। जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, जो ट्रेन चलती है ना, तो इसके अगल बगल में अनाउंसमेंट किया जाता है कि फास्ट ट्रेन चल रही है, उसके नज़दीक, प्लेटफॉर्म के नज़दीक ना खड़ा हूँ। तो वो कैसा क्यों करते हैं कि जब ट्रेन फास्ट स्पीड से जाती है तो क्या होता है,
यहाँ पे ना इसके अगल बगल का जो एयर होता है वो प्रेशर कम हो जाता है। जब ये फास्ट टेस्ट चलेगी ट्रेन तो क्या होता है, यहाँ पे जो बगल का एयर होता है उसको अपने साथ लेके चली जाती है और यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है। ओके, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी जो एयर है वो सर यहाँ पे जो एयर है उसको ट्रेन अपने साथ लेके चली जाती है। तो इस एयर को, इस प्रेशर को भरने के लिए यहाँ पे प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाता है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहाँ पे जब ट्रेन आएगी तो हवा को खींच के लेके चली जाएगी तो वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा यहाँ पे कम हो जाएगा प्रेशर प्लेटफॉर्म के ट्रेन के पास। तो क्या होगा, यहाँ का एयर को अपने पास खींचेगा, यहाँ का एयर यहाँ पर फ्लो होगा। तो यहीं पर अगर कोई नज़दीक में आदमी होगा तो क्या होता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। ओके, तो इसीलिए प्लेटफॉर्म पे जब कोई फास्ट ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म पे, क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को, तो अनाउंसमेंट किया जाता है कि ट्रेन के पास खड़े ना रहें। और जो येलो कलर की ये लाइन होती है, ये लाइन इसीलिए खींची जाती है कि हमेशा आदमी को इस लाइन के इस साइड खड़ा रहना है जब अगर कोई ट्रेन जाती है तो। ओके, ताकि आदमी सेफ रहे, वो उसके चपेट में ना आए। तो ये बर्नौली सिक्वेशन, यही बर्नौली सिक्वेशन है कि कभी कोई फास्ट जहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। कोई भी चीज़ अगर फास्ट स्पीड से चलती है तो वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। आप अक्सर देखते होंगे कि न्यूज़ में भी आता है कि ट्रक की चपेट में आके बाइक वाले की मौत। तो ऐसा क्या होता है, कोई फास्ट, अगर ट्रक फास्ट चल रहा है और बगल से कोई स्कूटर वाला या बाइक वाला जाता है तो क्या होता है, उसकी चपेट में आ जाता है। तो वहाँ पे भी यही बर्नौली की इक्वेशन काम करता है, क्योंकि जब फास्ट ट्रक चलता है तो उसके वहाँ पे मतलब लो प्रेशर क्रिएट होता है उसके अगल बगल में। अगर बगल में उसके नज़दीक में कोई बाइक वाला आ जाता है तो क्या होता है, उसको खींच लेता है अपनी तरफ। तो ऐसे ही काम करता है बर्नौली सिक्वेशन। अब देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम इजेक्टर। अब ओके, तो ये वैक्यूम इजेक्टर का एक सीमेटिक डायग्राम है। तो इसमें देखिए, ये होता है, ये डिफ्यूजर है यहाँ पे। ओके, इसके नोजल के जैसा होता है, इसमें यहाँ पर क्रॉस सेक्शन कम होता है यहाँ पे और यहाँ पे जाता है, बड़ा होता है। ओके, और ये होता है मिक्सिंग चैम्बर, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मिक्सिंग चैम्बर है। ओके, ये मिक्सिंग चैम्बर है और ये मोटिव फ्लूइड है, ये वेंचुरी इसको बोलते हैं, नोजल बोलते हैं या वेंचुरी बोलते हैं इसको। ओके, और ये मोटिव फ्लूइड मतलब जो अगर स्टीम जेट इजेक्टर है तो यहाँ पे स्टीम मोटिव फ्लूइड रहेगा, अगर वाटर जेट इजेक्टर है तो यहाँ पे वाटर मोटिव फ्लूइड रहेगा, अगर एयर जेट इजेक्टर है तो यहाँ पे एयर मोटिव फ्लूइड रहेगा, और सक्शन फ्लूइड में जहाँ पे हमें वैक्यूम क्रिएट करना है वहाँ ये वैक्यूम वाला लाइन यहाँ पे कनेक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे वैक्यूम लाइन जहाँ पे हमें वैक्यूम एरिया क्रिएट करना है तो ये पाइप वहाँ से जाके वो जैसे रिएक्टर में वैक्यूम क्रिएट करना है तो यहाँ से लाइन जाता है और रिएक्टर में कनेक्ट हो जाता है। जहाँ भी हमें वैक्यूम क्रिएट करना है वो वैक्यूम का लाइन यहाँ से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे अगर स्टीम जेट इजेक्टर है तो यहाँ स्टीम यहाँ से कनेक्ट होगा, यहाँ से स्टीम कनेक्ट होगा। ओके, तो क्या होता है, जैसे कि सपोज हम ये कंसीडर करते हैं कि ये वाटर जेट इजेक्टर है, तो क्या होगा, पंप से पानी यहाँ से पास करेंगे, हम यहाँ से सप्लाई करेंगे पानी पंप का आउटलेट से, और ये पानी यहाँ से आएगा, ये नोजल से पास होगा, और नोजल यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम रहेगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा। ओके, जब यहाँ से आएगा तो ये नोजल से पास करेंगे तो क्या होगा कि इसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा, जो यहाँ पे पानी आएगा उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा, प्रेशर कम रहेगा, और इसके अराउंड सराउंडिंग में क्या रहेगा, एयर रहेगा, यहाँ पे जो भी है यहाँ पे एयर रहेगा। ओके, तो जब ये हाई वेलोसिटी जेट निकलेगा तो क्या करेगा, अगल बगल के एयर को अपने साथ लेके जाएगा। ओके, मीन्स यहाँ पे प्योर सिर्फ पानी रहेगा और यहाँ पे जब ये बाहर निकलेगा तो क्या होगा, अगल बगल का एयर भी इसके साथ मिक्स होगा और एयर को लेकर बाहर निकल जाएगा। जब एयर के लेकर बाहर निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, और जब लो प्रेशर क्रिएट होगा तो क्या होगा, यहाँ का एयर को ये अपने पास आएगा, क्योंकि लो एयर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है। तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, जब यहाँ का एयर खींचेगा तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ का हाई प्रेशर एयर यहाँ लो प्रेशर एरिया में आएगा, वापस ये जेट से मिक्स होगा और जेट इसको खींच के बाहर निकाल देगा। तो इस तरह से यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होते रहेगा। ओके, तो इसी कंसेप्ट पे हमारा ये चलता है वैक्यूम इजेक्टर। ओके, वैक्यूम इजेक्टर का एफिशिएंसी इसके प्रेशर पे, जो पंप का प्रेशर है पानी का प्रेशर, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा। यहाँ से ज़्यादा प्रेशर रहेगा पानी का तो
तो यहाँ पे ज़्यादा वेलोसिटी से पानी जेट बाहर निकलेगा, जो पानी का जेट है वहाँ से बाहर ज़्यादा वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, और जितना ज़्यादा इसका वेलोसिटी रहेगा उतना ज़्यादा ये एयर को सक करेगा और बाहर फेंकेगा, और उतना ही ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट होगा। ओके, तो इसका एफिशिएंसी मोटर के प्रेशर पे होता है, जो मीटर से हम पानी इसके अंदर पंप करते हैं उस प्रेशर पे होता है। अगर स्टीम जेट इजेक्टर है तो स्टीम के प्रेशर पे इसका एफिशिएंसी डिपेंड होता है। ओके, अब देखते हैं कि वाटर जेट इजेक्टर होता है उसका सेटअप कैसा होता है। ओके, तो यहाँ पे एक ये सम्प होता है। ओके, इसके अंदर पानी भरा होता है, ये सम्प है, इसके अंदर पानी है, और यहाँ पे हमारा पंप है, ये हमारा पंप लगा हुआ है, पंप का सक्शन है, ये डिस्चार्ज है, इस पर प्रेशर गेज लगा हुआ था, लगा होता है इसमें प्रेशर चेक करने के लिए, और ये हमारा इजेक्टर है, वैक्यूम जेट इजेक्टर है। तो यहाँ पे हमारा जो सक्शन है ना, जो हमारा जहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करना है वो सक्शन वाला लाइन यहाँ पे लगाया जाता है, और ये पानी का जो पंप का डिस्चार्ज लाइन है वो यहाँ से एंटर होता है। तो यहाँ पे मिक्सिंग चैम्बर है, ये मिक्सिंग चैम्बर है, यहाँ पे जो पानी का जेट होता है वाटर जेट और ये सक्शन दोनों मिक्स होता है, और यहाँ से एयर को खींच के ये यहाँ पे छोड़ देता है, और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है। ओके, तो इस तरह से बहुत सिंपल इसका वर्किंग होता है, इसका सेटअप बहुत सिंपल होता है। बस यहाँ पे कूलिंग टावर भी लगाया जाता है, कूलिंग टावर लगाने से क्या होता है, कूलिंग टावर लगाने का पर्पस होता है पानी को ठंडा करना। अगर पानी ठंडा रहेगा तो क्या होगा, इसका एफिशिएंसी थोड़ा बढ़ जाता है। ओके, तो इसको कूल करने के लिए कूलिंग टावर भी लगाया जाता है इसके अंदर, इसके ऊपर, पानी के ऊपर। ओके, तो इस तरह से काम करता है वाटर जेट इजेक्टर, बहुत ही सिंपल इसका वर्किंग होता है, सेटअप होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।